अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्यों फ्रीलांसर में काम नहीं करना चाहिए और फाइवर में क्यों आपको काम करना चाहिए, इन दोनों में क्या फ़र्क है और सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है। अगर आपने ये वीडियो देखना है आखिर तक और इससे समझना है ताकि आपके करियर में एक और रिवोल्यूशन आ सके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत से फ्रीलांसर जो स्टार्ट में आते हैं इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी वेबसाइट हमें स्टार्ट करनी चाहिए और किन वेबसाइट में हमें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्या क्या प्लेटफॉर्म हैं जो जिसमें स्पैम ज़्यादा ना हो, जिसमें फेक पीपल ज़्यादा ना हो, जिसमें धोखा देने वाली जो कॉन्सेप्ट है उसमें ज़्यादा ना हो। तो ये बात अगर आप अपने जहन में रख लें, अगर आप बिगनर हो, स्पेशली अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में मौजूद हो या किसी भी सर्विसेज के फील्ड में आप ताल्लुक़ रखते हो, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म एज ए बिगनर के तौर पर मैं कह रहा हूँ आपके लिए फाइवर बेस्ट है। ठीक है, फाइवर में बहुत ईजी है, फाइवर बहुत आसान है, उसके प्लेटफॉर्म में इतनी आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है और आपको आसानी से प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। अगर आप फाइवर की बात करें और फ्रीलांसर के साथ कंपेयर करें, तो फ्रीलांसर एक बहुत ही मुश्किल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। उस चीज़ के अंदर या फ्रीलांसर के अंदर रहते हुए आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एज़ अ फ्रीलांसर बिगनर, या आप कहे कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप फ्री में रजिस्टर करते हैं, तो उस वक्त आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिमिटेड हैं। जब आप ऐसा ऐसा काम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रीलांसर में कैसे काम करना चाहिए और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को और आप बढ़ा सकते हैं। मतलब पैसे ज़्यादा जो है फ्रीलांसर में हैं, लेकिन जिस चीज़ में पैसे ज़्यादा हैं उस चीज़ को समझना भी थोड़ा मुश्किल है। लिहाजा अगर आप पूछ रहे होते हैं मुझसे, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर क्वेश्चन करते हैं कि फाइनेंशियल तौर पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें सिखा दो, हमें किस प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, हमें बीट करते हैं लेकिन हमें अवार्ड नहीं होता, या हमें ऑर्डर फाइवर पे मिलते नहीं हैं। इन सारे क्वेश्चन को अगर मैं एक जगह पर ले आऊं, तो आपको ये चीज़ अपने जहन में रखना होगा कि अगर आप बिगनर फ्रीलांसर हो तो आपको महीने, 2 महीने या 3 महीने, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 1 साल तक भी मुमकिन है आपको जॉब ना मिले। इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। ये नहीं है कि जो भी कही आप बहुत सारे हमारे YouTube पे बहुत सारे हज़रात मौजूद हैं जो कहते हैं कि आप बग़ैर स्किल के काम कर सकते हैं और हज़ारों पैसे कमा सकते हैं। इन चीज़ों में हकीकत है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम। वो आपको ब्राइट साइड दिखाते हैं और डार्क साइड छुपा लेते हैं। मतलब वो जो भी कहते हैं 20% उसमें इम्कान है और 80% उसमें क्या है, सारे गलत इंफॉर्मेशन है जो आप उसको भी ले लेते हैं। तो इस वजह से आपको तकलीफ़ होती है, जब आपको जॉब नहीं मिलता है, जब आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, तो आप ये महसूस करते हैं कि हमने इतना सारा टाइम ज़ाया किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ये बंदा जो भी कुछ कह रहा है ये झूठ कह रहा है, ये स्पैम है, ये गलत कह रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बताया है, आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में फ्रीलांसिंग की इतनी ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें हर एक ट्रिक को मैंने बताया है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं अगर आपके पास मतलब वक्त हो, आप में हार्ड वर्क करने की जो जज्बा है वो बरकरार रहे, और साथ ही साथ आप में स्किल बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट होनी चाहिए स्किल में आपको। अगर ये चीज़ें आप में नहीं हैं तो आप कभी भी फ्रीलांसिंग नहीं बन सकते हैं। फ्रीलांसर देखने में ईजी लगता है कि आप घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर ना कोई दबाव है, ना ही आपको किसी का बात सुनना है। ये बहुत ही मतलब मीठा लग रहा है, बहुत ही आसान लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन इसके बरक्स उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको 3 साल 4 साल मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एकदम आप 1 महीने में आके अपनी सारी काम छोड़ के आ जाइए और कहे कि मैं फ्रीलांसर का बादशाह बन जाऊंगा, ये बिल्कुल मौजूद नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। मैंने जो फाइवर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे फाइव अकाउंट है और मैं प्रोफाइल पे मौजूद हूँ। मैंने 2017 में मैंने इसको ज्वाइन किया था,
लेकिन वक्त ना होने की वजह से मैंने इस पर काम बिल्कुल नहीं किया। यानी कि 2017, 18, 19 और 2020 अभी चल रहा है 3 साल। अगर 3 साल में मुझे 4 प्रोजेक्ट मिला है या 4 ऑर्डर मिले हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, मैंने कंप्लीट किया है, देख लें यहाँ पर कंप्लीट है वो 4 है, ठीक है, मतलब मैंने 4 कंप्लीट किया है वो भी 3 सालों में। अगर साल की आप कहे कि एक प्रोजेक्ट भी ले ले तो 4 प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट किया हुआ है। इस हिसाब से साल का मैंने पाँच डॉलर, मतलब यहाँ पर $5 आप देख सकते हैं, लेकिन $5 से $1 फाइवर ख़ुद लेगा और $4 मुझे देगा, मतलब साल का सिर्फ 400 रुपये मैंने कमाया है। तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा आपके लिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ मिलना नहीं है, या जो मिल रहा है भी वो आपकी जो घरेलू अखराजात है या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। फ्रीलांसिंग काम आसान है उस वक्त जब आप उस काम को आसान खुद करेंगे। ये नहीं है कि कोई और बंदा आके आपके लिए काम आसान करेगा। आप ट्राई करो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जहाँ भी जाते हो फ्रीलांसिंग के अंदर, आप मुझसे सवाल पूछते हो, आप उसको एक्सपेरिमेंट करो, जाके पढ़ो, जाके देखो, उस पर काम करना शुरू करो, तो आप ख़ुद बखुद सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अभी मैं आपको ले जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार फिर, जहाँ पर मेरे पास ये फ्रीलांसर के अकाउंट हैं। फ्रीलांसर अकाउंट में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, लेकिन ये भी आप अपने जहन से निकाल दें कि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसर में मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ये बग़ैर हार्डवर्क के नहीं है। मतलब आपको हार्डवर्क करना है, स्किल में आपको परफेक्ट होना चाहिए। जो भी बंदा आपको कहेगा कि जो भी काम आपने करना है, आप बग़ैर छू छा के आप वो काम कंप्लीट करेंगे, ये स्किल आपको होनी चाहिए। अगर आप में स्किल नहीं है, बाज़ औक़ात हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि कौन सा स्किल हमें सीखना चाहिए जिसमें पैसे ज़्यादा हो, आप पैसे के पीछे ना जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप सोचते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस फील्ड में या किस जो ग्राफिक स्किल में या किस कंप्यूटर स्किल में आपको पैसे ज़्यादा मिलेगा, ये नहीं, आपको किस फील्ड में या किस कंप्यूटर स्पेसिफिक कैटेगरीज में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है ये आप देख ले, ठीक है। अगर आपकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप काम को भी दिलचस्पी से करेंगे, सालों तक आप वो काम करेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, उसमें और भी रिवोल्यूशन लाएंगे, उसमें अपनी ऐसी चीज़ें डालेंगे जो किसी के पास नहीं होगा, तो आप ऑटोमेटिक किसी और से ज़्यादा पैसे कमाएंगे, जो पैसे वाली कैटेगरी का भी हो तब भी आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। मतलब स्किल लाजमी है और स्किल इंटरेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए, ये ना कि मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं कमा रहा हूँ अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो आपको ग्राफिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप कहें ये बंदा तो पैसे कमा रहा है, चलो मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर दूँ। आप बेशक ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे, आप काम भी करना शुरू करेंगे, आप पैसे भी कमाई करें करना शुरू करेंगे, लेकिन 1-2 साल के बाद आपको वो चीज़ें फिर बोरियत के अंदर ले जाएगा, ठीक है, फिर आप में दिलचस्पी ख़त्म होगा, फिर आप वापस छोड़ देंगे। ये बेहतर नहीं है कि आप ऐसी काम को सेलेक्ट करें जिसमें आपके पास आप में इंटरेस्ट भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 104 वीडियो मैंने कंप्लीट किया था, ठीक है। रिसेंटली मैंने फाइवर पे ग्रुप में, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है रिसेंट जो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि 5.5 स्टार मैंने रिसेंट लिया है और 4.5 स्टार जो है मैंने यहाँ पर हासिल किया है, ठीक है। मतलब इसकी सबसे अहम वजह यही है कि मैंने इसको स्किल को इग्नोर नहीं किया है, मतलब अभी भी मैं सीख रहा हूँ, इतनी देर इतने सालों से, 7 साल 8 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और बहुत सारा मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, बहुत सारे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन किया है और उसे समझा है और प्रोजेक्ट को हासिल करने के तरीक़ा सीखा है। तो ये चीज़ें हैं आपके अंदर अगर होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में अगर आप सोचेंगे, अपनी स्किल को और बेहतर बनाएंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट लेना बहुत मुश्किल है, क्या इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट चाहिए, अगर मार्केट में उसकी प्राइस $300 है, वो मैं $100 में कर लेता हूँ,
और उससे बहुत ही ज़बरदस्त कर लेता हूँ। क्या क्लाइंट को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा? बिल्कुल कर पाऊँगा। मतलब प्रोजेक्ट आप लेंगे, कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अपनी आउटपुट है वो बहुत ज़बरदस्त देंगे, जो कि क्लाइंट को मजबूर करेगा आपको दूसरे मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा आपको हायरिंग करने में। मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा, और समझने के बाद आपको उस पर काम करना होगा और अपनी गोल सेट करना होगा, और उस गोल के पीछे आपने अपनी हर एक जो फोर्स है उसको आपने लगाना होगा। तब आप एक ज़बरदस्त फ्रीलांसर हो सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और ये चीज़ें मैंने आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कहा है। अगर आप लोगों में अभी भी आप पूछते हैं कि मुझे वर्क दे दे, या मुझे जॉब दे दे, या मुझे प्रोजेक्ट दे दे, तो मैं आपको प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको प्रोजेक्ट लेने के लिए तरीके बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, मैं भी काम करता हूँ। अगर मैं अपने काम आपको दे दूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आपके पास बहुत सारे ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो आप क्यों मुझसे प्रोजेक्ट मान रहे हो? ठीक है, जाके आप रिसर्च करो, मुझसे ज़्यादा प्रोजेक्ट ले लो, और कामयाबी से आके इस तरह के वीडियो बनाओ और लोगों को कहो कि मैंने इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, अभी खुशी खुशी मैंने ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तब मज़ा आएगा, तब आपका काम करने में मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा काम करने के लिए। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन को जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को थम्सअप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज़ इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके लिए डालते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ जमशेद रज़ा, अल्लाह हाफिज़।